इस वक्त जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। तो अक्षरा, पहले सबसे हमें ये बताइए, क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है आपके सारे ही फैंस के लिए। सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए थे जो टीवी वाला बिग बॉस है उसे स्टार्ट होने के लिए, और इस तरह से आपका एविक्शन आपके सारे ही फैंस के लिए बहुत ही दर्द भरा मोमेंट कह सकती हूँ, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग कि आपको टीवी वाले राउंड में भी देखा जाए। आपके लिए कितना शॉकिंग या किस तरह का रहा, हम बताइए। मेरी इसमें हार नहीं हुई है, मेरी जीत हुई है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितना प्यार और जितना अथाह लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ये मेरी जीत है और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये अलग बात है कि दर्शकों को ऐसा लग रहा है, वो उनका मानना है कि मुझे और रहना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स ओके। गेम है, गेम में अपना बोरिया बिस्तर लेके थोड़े जा सकते हैं, एक ना एक को तो आना ही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसी तरह की कोई कमी रह गई हो जिसकी वजह से इस तरह से हम एविक्शन देख रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं कहीं चूक गई होगी, मेरी कहीं गलती हुई होगी, इस वजह से आज मैं बाहर। एक्चुअली क्या लगता है आपको कि कौन आपका रीजन बन रहा है, कि कोई एक कोई व्यक्ति या फिर कोई एक रीजन रहा हो कि ये एविक्शन आज हम देख सकते हैं? नहीं नहीं क्या रिस्पॉन्सिबल, क्या ये लिखा था, मेरा निकलना यही सही समय था मेरे निकलने का। और मैं बता रही हूँ आपको कि मैं कुछ भी हार के नहीं आई हूँ, मैं बहुत कुछ पाकर आई हूँ और अब इसी के साथ आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि गेम की शुरुआत से ही प्रतीक के साथ आपकी काफी अच्छी कनेक्शन हमने देखा, लेकिन उसके बाद सडनली एक ब्रेकडाउन होता है और चीजें अलग हो जाती है, आप लोगों के साथ चली जाती है, प्रतीक का उनका कनेक्शन बन जाता है नेहा के साथ। क्या आपको लगता है कि ये जो ब्रेक थ्रू हमने देखा, ये एक रीजन रहा वो स्टेबिलिटी को जाने के लिए, क्योंकि काफी अच्छा खेल रहे थे आप और प्रतीक? हाँ, इमोशनली थोड़ी सी वीक पड़ गई मैं वहां पे, बिकॉज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी चीजें। और आपको जब गेम का बहुत ज्यादा पता ना हो, आपको मैनिपुलेशन पता ना हो, तो आप उस तरीके से ही चीजों को लेंगे, और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और मैंने उसको पॉजिटिविटी के साथ लेकर मैं मुझसे जितना भी बन पाया मैं आगे बढ़ी। जी, दिव्या के साथ आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा बना, हमने काफी एक उभरती दोस्ती देखी आप दोनों के बीच, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, और एज अ कंटेस्टेंट दिव्या आपको कैसी लगती है? दिव्या जी एज अ कंटेस्टेंट माइंड ब्लोइंग है, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनके साथ जो बॉन्डिंग रही है घर के अंदर भी बहुत प्यारी रही है, उन्होंने मुझे बहन कहा है, और ये रिश्ता मैं आगे आजीवन निभाना चाहूंगी। जी, बात की जाए शमिता के साथ, तो शुरू से लेकर जब तक आप घर में थी तब तक आप दोनों की कभी भी जमी नहीं, क्या एक लगता है आपको कि क्यों वो जो ट्यूनिंग है वो बैठ नहीं पाई? ये जिस दिन कभी हमारी मुलाकात हुई तो मैं उनसे पूछूंगी, वो मुझसे पूछेंगी, और ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों नहीं बनती थी हमारी। बट घर के अंदर कुछ कुछ चीजें होती थी जो जिस पर जाहिर सी बात है मेरा भी रिएक्शन आता था, और ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सो घर के बाहर जब आपकी मुलाकात होगी तो आप एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगी उनसे? अगर मुझे सामने से प्यार मिला, सम्मान मिला, वहां खोल के स्वागत करूंगी और खुद जाऊंगी। जी बिल्कुल जी। सो नेहा वसीम के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि उनके साथ भी एक अलग ही तरह का रिश्ता हमने देखा है आपका गेम में, एज अ कंटेस्टेंट वो आपको कैसी लगती है? एज अ कंटेस्टेंट अगर बोले तो हमारे यहाँ कहावत है टगरा पर का बैगन, मुझे वही लगती हैं वो। कभी इधर ढुलकती हैं, कभी उधर ढुलकती हैं। जी, और ऐसे नॉर्मली अगर जिस तरह आपकी बॉन्ड रही उनके साथ घर में, उसके बारे में कुछ बताइए।
घर पे जो भी बॉन्डिंग यू नो पहले से जो शुरुआत हमारी हुई थी वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनका स्टैंड क्लियर मुझे नहीं लग रहा था. जब भी उन पर बात आती थी दोष देने पे तो वो सबको दोष देती थी, लेकिन जहां उनकी गलती निकल जाती थी वहां वो चढ़ जाती थी, नहीं मैं गलत नहीं, मैं गलत नहीं. तो तब से हमारी थोड़ी दूरी बनने लगी, और उसके बाद जो उन्होंने कांड किया वो तो सबके सामने ही था. स्विच हो गए, पार्टनर ही चले गए मेरे. जी, तो अक्षरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वीकेंड के बार में आपको फटकार लगाई गई, क्या आपको लगता है कि आप इतनी फटकार डिजर्व करती थी? इतनी फटकार नहीं डिजर्व करती थी. मेरी जहां गलती रही है मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे भूल हुई हुई. समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका परिवेश, आपका कल्चर लोगों से बहुत अलग होता है, तो बहुत सी चीजें आप बचपन से जो सुनते आए हो वो सुनने में सामने वाले को गलत लग सकता है. तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट हाँ अपनी गलती से मैं सीखी कि हाँ मैं यहाँ हो सकता है मेरी बातों से कोई मतलब किसी को तकलीफ हो गई, किसी के दिल को बच्ची, तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ. लेकिन जहाँ घर के अन्य लोग हैं, जहाँ औरत की बात करें आप और औरत के विभिन्न अंगों का नाम आप गाली के रूप में इस्तेमाल करें, एक दूसरे को गाली देकर मजाक बनाएं, तो ये कहाँ की औरत है? मुझे जानना है कि बात बराबर की हो सकती थी. अगर मैं गलत हूं तो और भी लोग गलत हैं अपने अपने जगह पे, जहाँ गंदी गंदी गालियां देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को पॉर्न स्टार बोल देते हैं, ये कहाँ का फेमिनिज्म है? जी, तो अगर करण जौहर की बात की जाए तो इनकी होस्टिंग आपको कितनी फेयर और जस्टिफाइड लगी? अच्छे हैं, अच्छे हैं. ये इस विषय पे क्या ही बोलूं मैं, अच्छे हैं, अच्छे लगे. जी, आप घर में नहीं है और अभी आप घर के बाहर भी आ गए, जो एक सिनेरियो है जो बिग बॉस ने एक्सेप्ट कर दिया है, जो एक मैसेज देना चाहते हैं वो आप देख पा रही हैं। ऐसे में शमिता और राकेश के बीच जो एक मंजर दिखाया जा रहा है सभी को, क्या लगता है आपको कि कितना जेन्युइन है इन दोनों का बॉन्ड? मुझे फेक लगता है मैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि वो दोनों एक साथ बहुत क्यूट लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ, मेरी मंशा रहेगी ये कि वो दोनों बाहर भी आए तो एक साथ ही जी बिल्कुल, तो रहे. ऐसे में हमें बताइए अक्षरा, क्या लगता है आपको कि बिग बॉस टीवी तक कौन से वो सदस्य हैं जो पहुंच पाएंगे? टीवी तक दिव्या जी को जाना चाहिए, निशान जी को जाना चाहिए, प्रतीक जी को जाना चाहिए. मेरे ख्याल से पूछा जाए तो मैं तो सबका ही नाम लूं, लेकिन ये लोग हैं जो मेरे फेवरेट हैं. जी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन लगता है आपको? सबसे मतलब सही खेल रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट है? स्ट्रॉन्गेस्ट प्रतीक लगते हैं, दिव्या जी लगती हैं, एट द सेम टाइम जी निशान जी भी लगते हैं, तीनों ही लगते हैं मुझे. जी सबसे मैन्युपुलेटिव गेम आपको किसका लग रहा है? मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव, किसी एक को नहीं कह सकते, वो गेम के हिसाब से सब होते हैं वहां पे टाइम टू टाइम. जी, अगर डम गेम की बात की जाए, जिसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डम गेम, तो वो ये खिताब आप किसे देना चाहते? डम जी डम किसको? नेहा जी. कभी कभी वो डम जी हो जाती है. जी सो ऐसे में अगर किसी एक सदस्य को कोई एक एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? किसी एक सदस्य को एडवाइस, दिव्या जी के लिए दे सकती हूँ कि वो जिस तरीके से शेरनी है, जिस तरीके से स्ट्रांग है, वो और आगे इसी तरीके से बढ़ती जाए और सबकी बैंड बजाते आए. बिल्कुल, अगर
अक्षरा, हमने देखा कि घर से बाहर आने के बाद आप किस तरह से पार्टी मोड में भी नजर आई, सूर्याश फ्रेंड्स दिशा। नहीं, पार्टी मोड में नहीं थी मैं, पार्टी मोड में तो नहीं थी पर आपका एक मिलवर्तन दिखा हमें, एक गैंग अप टीम फोटो भी देखी, तो हाउ वाज इट वापस से घर में इतना स्ट्रेस के बाद ऐसा रियूनियन टाइम? मतलब बहुत समय से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो पता चला गाबा एक दो दिन में बॉम्बे से वापस जा रहे हैं और उनकी फियांसे आई थी मिलने, तो मैं गई मिलने उनसे और वहां पे देखा बहुत सारे लोग हैं, प्यारे प्यारे लोग जिनसे मुलाकात हुई, जिशान भी दिखे वहां पे, तो बहुत मतलब अच्छा समय गुजरा, बहुत अच्छा लगा हमें काफी टाइम बाद मिलकर। जी, तो ऐसे में अक्षरा आप जितने भी सदस्य घर में रहे उनमें से बाहर भी किसके साथ वैसा ही रिश्ता आगे बढ़ाना चाहेंगी, वो दोस्ती रखना चाहेंगी? सबों से बनाना चाहती हूँ, किसी एक से क्या है, सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सबों के साथ रखना चाहती हूँ जी। पर ऑटोमेटिकली अगर जिनसे रिश्ता जुड़ा हुआ है उनमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं लगेगी, वैसे में दिव्या जी हैं, निशान जी हैं, प्रतीक हैं, ऑफ कोर्स मूस है जी। सो अक्षरा ऐसे में जब आप घर के बाहर आई तो एक अलग ही सिनेरियो आपको देखने मिला होगा, एक अलग ही खबर मिली होगी सिद्धार्थ के बारे में, क्योंकि आप बहुत ही रिसेंटली वो बिग बॉस के घर में भी गए थे और वो जब घर में गए तो उन्होंने आपको काफी मोटिवेट भी किया था, तो कितना शॉकिंग रहा ये आपके लिए? मेरे लिए एक्सट्रीमली शॉकिंग न्यूज है ये और मैं स्तब्ध हूँ जब से सुना है मैंने ये, और जैसा आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैं गाबा के साथ नजर आई थी, मैं पिछले 3-4 दिनों से घर में ही बंद थी, बट हिम्मत जुटा के मैं, चूंकि मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तब मैं निकली, अदरवाइज मैं क्या फील कर रही हूँ इस समय मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती, मैं निशब्द हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। सिद्धार्थ जी, बिग बॉस का मायने ही बदल गया, क्योंकि बिग बॉस सिद्धनाथ से सबसे ज्यादा जाना गया और आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, साथ ही शहनाज जी को बहुत सारा हिम्मत, और उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करती हूँ। अक्षरा, हम जानना चाहेंगे आपसे लिए, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है हर किसी के लिए, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग ऐसा कुछ, बट सिंस जी, सो अक्षरा अभी जब आप घर के बाहर आ गई है, क्या कुछ प्लान्स है आपके, क्या करना चाहेंगे आपके? अभी बहुत सारे प्लानिंग, पहले के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग थे, वो सारी फिल्मों को खत्म करूंगी, मेरी और निरहुआ जी के साथ फिल्म आ रही है हमारी जान लेबू का, उसके लिए लगना है काम पे, और उसके अलावा बी प्राग जी के साथ गाने आ रहे हैं, एक गाना आने वाला है जिसके लिए इसी महीने हम लोग शूटिंग पर जा रहे हैं। अदर देन दैट गाबा के साथ प्लानिंग हुई है, उनके साथ गाने आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बैक टू बैक आने वाले हैं। जी बिल्कुल, we'll be waiting for everything that is coming in your way. Thank you Akshara for joining with us on Bollywood Sky. Thank you very much. Thank you. Thank you, tada.